चाचा? कुछ नहीं, लैंडिंग गियर का लीवर टूट गया है भीम। अगर लैंडिंग ठीक से नहीं हुई तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी दोस्तों। इंद्र वर्मा एयरलाइन, आप लैंडिंग कीजिए, मदद पहुंच रही है। फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर छुट्टियों का पूरा मजा उठाएंगे। आओ अरे अभिमन्यु, आओ आओ। यही बच्चे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था, है ना?
तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, फिर भी इसे यहाँ लाकर तुमने हमें बेकार में परेशान किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अदला बदली होगा।
और ये कपकेक तीखा है। ये जूस गरम है। मैंने कहा था कालिया को खाने का इंतजाम करने मत देना, सब गड़बड़ कर दी। ए राजू, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, पर आओ तुम्हें ठीक कर दूं। नहीं, हम केक हिल गार्डन जैसी सुंदर जगह पर काटने वाले थे। चुटकी, जब मेरे दोस्त और परिवार साथ है तो मेरे लिए हर जगह सुंदर है। मैं अपना केक यही काट लूँगा। वाह भीम, क्या बुद्धि वाली बात कह दी। पास आओ बच्चों, बुपारी, चक्री, तुम भी आ जाओ, हम केक काटेंगे। ये बुपारी और चक्री को क्या हो रहा है? शैतानी करने में इतना मजा आया कि हम भूल गए हमारे मंत्र का असर खत्म हो रहा है। तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। लग नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। कुदरती चीजों से बना हुआ है, ये सब के इस्तेमाल के लिए सेफ है। इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो सूरज भी नहीं चमकता होगा जितना मेरा चेहरा चमक रहा है। ओ नो, अब हमारा सैंडविच कैसे बनेगा भीम? लगता है पावर फेलियर की वजह से पापा लिफ्ट में अटक गए। मैं अभी आता हूँ। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ भीम, मैं ठीक हूँ। न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए?
तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। अरे मैंने तो एक साधारण सी रोड पर चलने वाली कार खरीदी थी, ये कार उड़ने कैसे लगी? जरूर किसी मायावी शक्ति ने इस पर जादू किया है पापा। अरे मायावी हो या छायावी, मुझे कोई नीचे उतारो, मुझे अब बस पेड़ पे छोड़ दो, मैं आम बंदर की जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या कहा, छायावी? कहीं ये मायावी आया का काम तो नहीं?
कैसे होगा? वो तो खुद रोशनी से दूर भागता है। पता चल गया कौन है वो चराकी। ये गाड़ी को अपने खिलौने की तरह चला रही है। क्यों चराकी, मजा नहीं आ रहा? अभी तो सैर बाकी है। अभी जो गड़बड़ की है उसे सुधार तो लो। आज से सिर्फ पैदल ही चलूंगा। हाँ? ये क्या किया चराकी ने मेरी गाड़ी को? अरे मेरी गाड़ी को तो टिन का डब्बा बना दिया उसने। गाड़ी की हालत देखो भीम। चिंता मत कीजिए पापा, आपकी नई गाड़ी को चराकी फिर से नया बना देगी। हुँ? वो भी बिना जादू के। ये कालिया बिना खाना देखते ही खेल को भूल गया। चलो। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है, अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, सो जाते हैं दोस्तों। हाँ? चराकी, ये भीम बहुत चालाक है। हर बार की तरह इस बार भी अगर वो हमारे मंत्र की शक्ति से बच गया तो। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों जल्दी चलो, जल्दी चलो, मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ, चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस
इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं, रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो, और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चले रौनक शहर की सैर करने। नहीं पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये हुई ना शानदार गाड़ी। चलो चलो सैर शुरू करते हैं। गेट सेट गो। पोषण लेकर आती है, क्यों ना भीम को एक मजेदार कार की सवारी दूं? भीम को कार में घुमाऊं, घुमा घुमा कर मजा चखाऊं। चराकी और बड़ी परी आज के लिए।
सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन हम छोटे क्यों हो रहे हैं? तुम चाहे कोई भी जादुई मंत्र लेकर आओ, ये सपना तो आखिर मेरा है और मैं अपने सपने का मालिक हूँ। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को? भीम तुम जाग गए? अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जान